बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। फार्मिंग एक्सपर्ट में खुश आमदीद। मेरा नाम सजाद अहमद है। आज की हमारी वीडियो कपास के बारे में है। कपास के ऊपर आज हम बात करेंगे। पहले भी ऐसी मैं कई वीडियोस बना चुका हूँ कपास की बीमारियों के बारे में और उनके इंसदाद के बारे में। काफ़ी चीज़ें मैं आपको पहले ही इन वीडियोज़ में बता चुका हूँ, आप मेरी वीडियोज़ देख सकते हैं। तो नाज़रीन, चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। आज का हमारा मौजू होगा कपास का अखेड़ा, जो कि इंग्लिश में उसको रूट रूट के नाम से जाना जाता है। इस बीमारी को जो है जड़ों का गलना या मूला भी कहा जाता है। ये बीमारी हर कपास पैदा करने वाले ममालिक में जो है पाई जाती है। इसकी अलामत क्या है? इस बीमारी की अलामत छोटे और बड़े पौधों की जड़ और कालर पर पाई जाती हैं। जब इस बीमारी का हमला होता है तो पत्ते अचानक मुरझाना जो है शुरू हो जाते हैं, फिर पीले होकर सूख जाते हैं। पौधा जो है 2-3 दिन में खुश्क हो जाता है। अगर बाहर खींचा जाए तो आसानी से बाहर भी आ जाता है ये, क्योंकि पौधा की जो सानवी जड़ें हैं और खुराक मुहैया करने वाली जो जड़ें हैं गल कर अलहदा हो जाती हैं। जड़ की खाल जो है रेशादार हो जाती है, जिससे बदबूदार मादा निकलता है। जड़ की दरमियानी जो लकड़ी का रंग होता है वो सुनहरी पीला होता है। और ये बीमारी जो है पानी और ज़मीन के ज़रिया जो है फैलती है। ये ज़मीन के ख़ास टुकड़ों में रहती है और साला साल उन्हीं टुकड़ों में मौजूद रहती है, और इसके सबब से फफूंदी जो है तैयार हो जाती है और फफूंदी जो है लग जाती है। अब इसका तरीका क्या है, इसका इंसदाद क्या है? तरीका इंसदाद मैं आपको बताता हूँ। पहले नंबर पर आता है जी, बीमारी से मुतासर पौधों की जड़ों और मुंडों को जमा करके तल्फ कर दें। ये वो चीज़ें हैं जो हमें बीमारी से बचाएंगी। ये मैं आपको हिदायत बता रहा हूँ उसकी। दूसरे नंबर पर, फलीदार फसल के बाद जो है कपास करने से मर्ज पर काबू करने में मदद मिलती है। उसके बाद जो है आप गहरा हल चलाएं। अच्छा हल चलाएंगे तो जो कपास की फसल है उसकी जड़ें जो है गहरी जाएंगी, फसल गिरने से भी महफूज रहती है और वो अच्छे तरीके से जो है अपनी बढ़ोतरी कर पाती है। उसके बाद आता है जी, बीज को मुनासिब फफूंदी का जहर लगाना। जहर लगाने से भी आप बहुत सारी ऐसी बीमारियां हैं जो जिन पर आप कंट्रोल कर सकते हैं। शुरू शुरू में जो स्प्रे होते हैं, जैसे 2-3 पत्ते हो जाते हैं फसल के, तो उस पर जो स्प्रे होते हैं उससे जो है आपको छुटकारा हासिल हो सकता है। तो शुरू शुरू में बीमारियों से बचा जा सकता है, बीज भी अच्छे तरीके से रहता है। तो उसके लिए आपको मुनासिब जो है फफूंदी का जहर लगाना चाहिए। उसके बाद आता है जी, फफूंदी के जरासीम चूँकि ज़मीन के अंदर ही अंदर जो है बढ़ते रहते हैं, इसके लिए जिन खेतों में उसका असर मौजूद हो वहाँ कपास के साथ मूठ गवार जो है ऐसी चीज़ें जो है काश्त की जाएँ। और मूठ को जो है अगस्त में काट लिया जाए और उसमें जो है चरी भी काश्त की जा सकती है, ताकि इससे ये होगा कि जहाँ पर अगर असर पहले से मौजूद है वहाँ पर आप दूसरी फसलात लगाएँगे तो बीमारियां कंट्रोल करने में बहुत मदद फराहम होगी। उसके बाद है जी, गल्ला वाली फसलात के साथ जो है हेर फेर करें। हेर फेर करने से एक तो ज़मीन के अंदर जो है जान रह जाती है, उसकी सलाहियत कम नहीं होती और अच्छे नतायज मिलते हैं। आप गल्ला वाली फसलात से भी जो है ज़्यादा उसे पैदावार हासिल कर सकते हैं। और उसके बाद जो आप काश्त करेंगे, जैसा कि कपास हो गई, उससे भी आप बहुत ज़्यादा नफ़ा हासिल कर सकते हैं, वो भी औसत के हिसाब से ज़्यादा होगी। उसके बाद कुव्वत मुदाफियत रखने वाली इकसाम काश्त करें। सबसे पहले आपने ये चीज़ें जान लेनी है कि आप जो है कौन सी जो है बीज इस्तेमाल कर रहे हैं, कौन सा बीज जो है बीमारियों के ख़िलाफ़ ज़्यादा कुव्वत मुदाफियत रखता है, कौन सा ऐसा बीज है जिसको हम काश्त करें तो उसको बीमारियाँ कम लगेंगी। जैसा कि सबसे ज़्यादा जो है अपना सफ़ेद मक्खी हो गई। सफ़ेद मक्खी को कंट्रोल करने के लिए आपको अच्छे बीज का इस्तेमाल करना चाहिए। थ्रिप्स हो गई, तेला हो गया, ऐसी चीज़ें हैं। तो वैसे तो मौसम पर भी डिपेंड होता है, मौसम के इस लिहाज से भी ऐसे कुछ होते हैं, लेकिन बीज जो है ऐसा बीज इंतखाब करें, आजकल ऐसे मार्केट में आए हुए हैं जो मौसम के लिहाज से भी अच्छे हैं और बीमारियों को जो है उनकी कुव्वत मुदाफियत बहुत अच्छी है, गर्मी के ख़िलाफ़ सर्दी के ख़िलाफ़ वो अच्छे तरीके से जो है अपना जो है सही तरीका कार कर सकते हैं।
इसके बाद हयातियाती तरीके से बीमारी में कमी आ जाती है। इस मकसद के लिए स्पर्गोपाक और ट्रैगोपाक के पैकेट गंदम के भूसा में मिलाकर खेत में डाले जाएं। इससे भी आपको बहुत ज़्यादा जो है इसे मुनाफा हासिल हो सकता है। आप अच्छे तरीके से अपनी ज़मीन की केयर कर सकते हैं। जितनी आप अपनी ज़मीन की खैर खाई करेंगे, वो ज़मीन आपको दुगना फल देगी। आपने ज़मीन का ख्याल रखना है, ज़मीन आपका ख्याल रखेगी। आपने अच्छी चीज़ें इस्तेमाल करनी, आपको अच्छे नतायज हासिल होंगे। आपने अच्छा बीज डाला है, आपको अच्छी पैदावार मिलेगी। अच्छे स्प्रे किए हैं तो अच्छे नतायज हासिल होंगे, बीमारियां कंट्रोल होंगी। तो इससे जो होगा आपको जो है मुनाफा ज़्यादा होगा और आप इस तरफ मुतवज्जे होंगे, ज़्यादा से ज़्यादा जो है आप कपास काश्त करेंगे। दूसरे नंबर पर हम बात करेंगे कपास का सूखा या मुरझाओ, काटन विल्ट। काटन विल्ट क्या है? ये बीमारी उन तमाम इलाकों में पाई जाती है जहां कपास काश्त होती है। ये ख्याल किया जाता है कि सबसे पहले ये बीमारी वस्ती अमेरिका में जाहिर हुई और हिंदुस्तान में सन 1908 में पहली दफ़ा इस बीमारी के बारे में इजहार किया गया। अब इसके अलामत क्या है? ये कपास के पौधे को किसी भी सतह पर मुतासर कर सकती है। पहले इसका हमला तख्मी पौधे को जो है उस पर होता है। इसमें बीज पत्ता पीले और भूरे रंग के हो जाते हैं, डंडी पर भूरे रंग का दायरा बन जाता है और नमी पौधा जो है मुरझाकर ख़त्म हो जाता है। अगर पौधे पर हमला हो तो पत्ते जो है मुतासर होते हैं, जिनकी वजह से पौधा मुरझाव का शिकार हो जाता है। ये चीज़ पहले पुराने पत्तों पर जाहिर होती है और बाद जो है पौधे की टहनियाँ और बिलाखिर जो है पौधा मुतासर हो जाता है। तमाम पत्ते जो है गिर जाते हैं, सिर्फ तना रह जाता है और तना का रंग भी तब्दील हो जाता है। नौखेज़ पौधों का ज़मीन के नज़दीक तने का हिस्सा स्याह हो जाता है और जो जवान पौधों का उसमें जो तदारुक है, जवान पौधों में पत्ते का रंग जो है जुज़वी तौर पर तब्दील हो जाता है। अगर मुतासिरा तने को देखा जाए तो वहाँ पर स्याह धारियाँ जड़ की तरफ जो है जाती महसूस आपको होती होंगी। अब इसका सबब जो है फफूंद और खतिये की वजह से लाहक होती है। अब इसका तरीका इंसदाद, इसके बारे में अगर बात की जाए, अगर ज़मीन की वजह से हमला हो तो उसका इंसदाद मुश्किल है, लेकिन बीज को दवाई लगाने से इस बीमारी को रोका जा सकता है। बाज़ ज़रई अवामिल से इस बीमारी की शिद्दत को कम किया जा सकता है, मसलन गहरा हल चलाना, मुतासरा पौधों की तलफी करना, हेर फेर करना, भिंडी तूरी की काश्त इजतनाब, अच्छी गली सड़ी गोबर की खाद का इस्तेमाल, पोटाश खाद का इस्तेमाल इस बीमारी को फैलने से रोकता है। जबकि नाइट्रोजिनी और फास्फोरसी खादों का ज़रूरत से ज़्यादा इस्तेमाल इजाफे का बायस बनता है। कुव्वत मुदाफियत रखने वाली इकसाम की काश्त हयातियाती तरीक़ों से भी इस बीमारी को रोका जा सकता है। तो नाज़रीन, आज की हमारी वीडियो यही थी। मुझे यकीन है कि आपको हमारी वीडियो अच्छी लगी होगी। अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो सबसे पहले हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए और शेयर कीजिए। अगर हमारी वीडियो आपको अच्छी लगी है तो कमेंट सेशन में जाकर आप हमें कमेंट्स कर सकते हैं। अगर आपने हमसे कुछ मालूमात लेनी है, कुछ जानना है, तो आप हमें कमेंट्स करके उसमें से सारी चीज़ें पूछ सकते हैं और हम उसका जवाब देंगे इंशाल्लाह। अगर आप हमारी मज़ीद वीडियोस देखना चाहते हैं तो वो भी आप हमारे चैनल को सर्च करके फार्मिंग एक्सपर्ट पर सारी जो है मालूमात देख सकते हैं। मज़ीद हमसे बात करने के लिए हमारा नंबर भी वहाँ पर मौजूद है, तो आप हमसे बात भी कर सकते हैं। तो आज की हमारी वीडियो आपको कैसी लगी हमें ज़रूर आगाह कीजिएगा। सजाद अहमद को इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफ़िज़।